हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी स्पेशल होने जा रही, क्योंकि आज मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाई। एक रिएक्शन वीडियो और एक स्टोरी टेलिंग वीडियो। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है बोया कुक कॉर्न। 1.6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और इसको बनाया है रामेश भाई और दानिश भाई ने मिलके। बोया कुक कॉर्न बेसिकली एक शॉर्ट मूवी है जो फ्री फायर से रिलेटेड है। फ्री फायर एक गेम है, जैसे पबजी, फोर्टनाइट और दूसरी गेम्स हैं, उसी से रिलेटेड एक फ्री फायर गेम है जिसको इस वीडियो के बाद मैं इंस्टॉल करके खेलूंगा। आप लोग भी ज़रूर खेलिएगा और हो सकता है कि मैं अपने गेमिंग चैनल के ऊपर अपनी पहली वीडियो पोस्ट करूँ, अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो 3, 2, 1 Let's get into it. Crazy expressions. एक हफ्ते का टाइम पीरियड जो मुझे पता चला है, जो मैंने वीडियो देखी है इनकी लास्ट, उसमें ये पता चला कि एक हफ्ते का टाइम दिया गया था। उस एक हफ्ते के टाइम पीरियड में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और वो सारा कुछ फाइनलाइज करना था। तो अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो खैर है, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट किया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू रामेश भाई एंड दानिश भाई, यू बोथ गाइज हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एक्सप्रेशंस की गेम है, मैस्किंग की गेम है, ग्रीन स्क्रीन पे हुआ ही है और VFX का काम जो कि दानिश भाई करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है फूड स्ट्रीट की। सेट देख रहे हैं आप, फूड डिजाइनिंग, फूड कलरिंग, यहाँ पे एंट्री होती है। अभी एंट्री तो नहीं, ये दिखाया गया है जज। कौन है जज आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि खाना लगा हुआ है, ये बात उनको खुद भी पता है लेकिन इतनी बात इग्नोर हो जाती है। इस बात रिजेक्टेड बोया कुक कॉर्न। और आई एम प्रिटी श्योर ये रामेश भाई ने डिजाइन किया होगा क्योंकि वो इस तरह के क्रेजी डिजाइन बनाते हैं। ये है होस्ट इस शो का, मैं हूं आपका होस्ट जिमी जमाल खान जे। ये भी काम जो है वो रामेश भाई ने किया है, कॉमिक बुक से जो है वो आइडिया लिया। उनमें करेक्टर्स के नाम सेम होते थे तो इसी तरह का नाम है जिमी जमाल जे। वेलकम टू द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर द बॉय। ड्रेसिंग चेक कर रहे हैं, पर्पल कलर की टाई नॉट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर येलो कलर की शर्ट और साथ ग्रे स्किनी सी शॉर्ट्स और साथ एक्वा जिंक कलर की सॉक्स। क्रेजी कुकिंग कंपटीशन। या इसको थोड़ा ओवर दिखाया गया है जो बनता था इस इवेंट के हिसाब से। किसी एक को तो फनी कैरेक्टर होना चाहिए ना किसी एक का। पाकिस्तान से आए हैं द बेस्ट स्ट्रीट फूड शेफ्स, जिसमें से हम फाइनल में चुनेंगे सिर्फ 3 लोग। यस, ओनली 3 एंड द लकी विनर हु विल विन द बोया पैन। यहां पे एंट्री होती बोया पैन की। VFX चेक कर रहे हैं, आंखों में घुमाया जा रहा है। अच्छा जी, इस बोया पैन के ऊपर के पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये बनाया है चंद घंटों में रामेश भाई की बेगम यानी कि हमारी भाभी जी ने। क्रिएटिविटी मैन, क्या कमाल का बनाया उन्होंने, वो भी चंद घंटों में। खूबसूरत। अब बोया क्या सीन है, बोया कोई करेक्टर का नाम हो सकता है या कुछ है। जब तक मैं फ्री फायर गेम नहीं खेलूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि बोया क्या है, क्यों इसका नाम बोया कुक कौन। तो समझ में आता है कि फूड कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है कुक कौन, लेकिन बोया क्या है ये बाद में पता चलेगा जब मैं गेम खेलूंगा। टाइमिंग ओके। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक कंटेस्टेंट की और ये हैं वन एंड ओनली सामी भाई फ्रॉम बेकार फिल्म्स। दाढ़ी मुझे कटी हुई है। इस मूवी से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी बेकार फिल्म्स की, जिसमें इनकी दाढ़ी मुझे नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि यार क्यों काटा। तो पता चला जी कि ये स्पेशली इस मूवी के लिए इन्होंने जो है वो कुर्बानी दी। हैट्स ऑफ टू यू सामी भाई। अब्बा जी की आवाज़, और ये रामेश ने ही दी है। 15 मिनट रह गए हैं क्योंकि अब्बा जी काम से लेट हो रहे हैं। किचन में जाते हैं, केटली रखते हैं, खाना पकाते हैं और ये हाथ समी भाई के नहीं है। ये जो चॉपिंग हो रही है ये समी भाई के हाथ नहीं है, ये कोई और प्रोफेशनल है। और दिखाया ये गया है कि समी भाई काट रहे हैं। इतना हैवी नाश्ता कौन करता है यार। हलवा पूरी तो समझ में आती है, पूरी के साथ हलवा एक्सेसरी होता है। अब्बा जी को सर्व किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन लेट हो गया तेरी वजह से मैं। पूरी निवाला लिया और रिएक्शन यक डिस्कस्टिंग। खा तो लिया लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। और केटली की आवाज़ आ रही है पीछे
और केटली की आवाज़ हमेशा ये प्रिटेंड करती है कि वो कोई गुस्से में है, कुछ फटने वाला है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है, दिस इज़ द सीक्वेंस, और आई एम प्रिटी श्योर ये सारा मैनुअली किया गया है। मतलब कैमरा तो जूम इन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ लाइट भी जो है वो दिखाई गई है प्रॉपर। ये एडिटिंग में नहीं है, अगर तो ये एडिटिंग में है तो भाई बहुत ही कमाल का काम किया है, लेकिन अगर रियल में है तभी बड़ा कमाल का काम है, क्योंकि टाइम सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी होता है। एक तरफ से कैमरा जूम इन हो रहा है, दूसरी तरफ से लाइट दिखाई जा रही है साइड से, और तीसरा सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन, तो वो तीनों चीज़ें बड़े प्रॉपर तरीके से हुई है। अच्छा, बैकग्राउंड भी वो मूव कर रहा है जैसे फटने वाली हो चीज़। और ये बैकग्राउंड देखें, सारी ट्रांजेक्शन मतलब सीन चेंज, यार नोब्स की तरह खेल रहा है यार। रामेश भाई की एंट्री आवाज के थ्रू, क्या नूव्स की तरह खेल रहा है यार। तू देख अभी बाहर निकल के दानिश खेल भाई, जाना है इसने। ध्यान दे भाई, कुछ तो बोल। टैप 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 टैप, हुई है मिस्टेक लिंक। क्या है वो नर्वस है, वो कुकिंग कंपटीशन का सीन है ना, उसकी वजह से इसकी पैक हुई है। अब पहले अब्बू से इजाजत तो ले ले कुकिंग कंपटीशन। सनी जज माना खतरनाक है, मतलब वो सेलिब्रिटी वाला, सेलिब्रिटी वाला जज बड़ा खतरनाक है। वहां पे परफॉर्म कर लेगा या यही होता रहेगा तेरे साथ? फिर से गुस्सा आ रहा है, फिर से लाइट्स चल रही हैं। इस मतलब लाइट का सीक्वेंस है पर्पल और रेड, फिर गुस्सा आ रहा है। यार बैकग्राउंड कैसे मूव होता है, गंदी शक्ल तुमने बनाई है। यहाँ पे वॉइस का भी थोड़ा सा काम हुआ है, कितनी गंदी शक्ल बनाई हुई है, कह कोई और किसी और को रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि इसको कहा जा रहा है। कम ऑन सर जी, बक अप, कैमरा ऊपर कर लो। जिमी जमाल खान अपने कैमरामैन को कह रहा था कि कितनी बुरी शक्ल बनाई हुई है। स्टॉप दिस, आई नो बड़ी गर्मी है। टक टका टक टका टक टका टक टका टक। ओके यार, ये सही मेहनत की हुई है इस फूड स्ट्रीट पे, इसको बनाया गया, इसको डिजाइन किया गया, लोग हायर किए गए हैं, लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे थे। समी खान आ रहे हैं, चूल्हे जल चुके हैं, चूल्हे जल चुके लग चुके हैं, और कुछ लोगों के तो दिल भी टूट चुके हैं। सिग्मा का लेंस यूज हो रहा है यहाँ पे। लेट्स मीट वन ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स हियर। हेलो, हाय, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी भाई पहले नर्वस है और उसको पकड़ लिया है इंटरव्यू के लिए। आपका नाम? इतना नर्वस है कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहा वो। एनीवेज, ही इज जस्ट अ नर्वस कैट। नर्वस कैट हो चुकी है। ओवर टू द कुकिंग। ना सुनी मैदान में उतर गए हैं पहलवान, साथ में उनके पकवान, किसका होगा काम तमाम? तरह तरह की लजीज डिशेस। यार क्या कमाल का सीक्वेंस है, फूड सीक्वेंस नजर आ रही है। ग्रोज मीट द वर्ल्ड याद आ रहा है। और उन डिशेस के साथ चिंगम की तरह चिपकी हुई कंटेस्टेंट्स की मिना मोमिना मुनीर, बाकी दो का नहीं पता। अजब उम्मीदें, कौन बनेगा? इरफान शेख, बाकी दो का नहीं पता। फैसला जज जावेद नूरानी के हाथ। जावेद नूरानी, जो लोग कराची से हैं उनको पता होगा, ये बात भी मुझे रात पता चली है, कि जावेद निहारी और नूरानी कबाब को मशहूर फूड चेन है, तो उनसे रिलेटेड जज का नाम रखा गया है, क्योंकि ये फूड कंपटीशन है और वो फूड की बड़ी दो चेन्स हैं, तो वहां से पिक करके जज का नाम रखा गया है। रिजेक्शन, आर यू किडिंग मी? रिजेक्शन, रिजेक्शन, इरफान भाई भी रिजेक्ट हो गए। अच्छा, रिजेक्शन मोमिना मुनीर की रिजेक्शन नहीं दिखाई। अब प्रेजेंट करने आएंगी हमारी यंग कंटेस्टेंट मूडी मारिया। मूडी मारिया एमएम करने के बाद जलेबी अपना डिसीजन देंगे। लगता है एक और रिजेक्शन आने वाली है, और ये ओह माय गॉड, रिजेक्शन रुक गई। फर्स्ट फाइनलिस्ट एंड शी लुक्स सुपर एंथुसियास्टिक। सिलेक्शन होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बॉबी बटेर, बॉबी बटेर डॉक्टर साहब, असद भाई, ये भी रामेश भाई के साथ होते हैं, इनका अपना चैनल भी है। व्हाट, थ्री समोसे? और इनकी भी सिलेक्शन हो गई? मेरी सिलेक्शन हो गई? आई गेस मेरी सिलेक्शन हो गई है। ठंडे तेल में हाथ जला रहे हैं। सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। कपड़े चेक कर रहे हैं। ओ भाई, पिंक कलर की सॉक्स है। फाइनली आएंगे सेट में हुए समी। बैकग्राउंड बहुत मजे का है यार, कलरफुल। हलीम को कौन मना करता है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे डॉन की, हमारे जज की, कनेक्ट काशान, जो द इडियट्स में भी हैं और इनका अपना चैनल भी है, वो हैं जज। ये जज कम और डॉन ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे जा रहा है हलीम टेस्टिंग के लिए, और पीछे बैकग्राउंड में चेक कर रहे हैं आप, जो वो पैन है वो घूम रहा है। टेस्ट किया जा रहा है, रिजेक्शन। और यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है दो दमदार सितारों की, रामिश भाई और दानिश भाई। कपड़े चेक कर रहे हैं,
वाइट टी शर्ट दोनों ने पहनी है, एक ने चुकंदरी पर्पल कलर का पिंकिश कलर का कोट पहना हुआ है, दूसरा ऑरेंज, खट्टा ऑरेंज। लेकिन क्या क्रेजी लग रहे हैं। और जज जो है वो ब्लैक पैंट कोट में फुल वकील बन के बैठे हुए हैं, चांद भी लगाया हुआ है ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा भंड है, वो पीछे लड़का आया घूम के वापस। यहाँ पे जो ये कटिंग है, ये जो मास्किंग है, क्या कमाल की टाइमिंग, ऑन टाइम। और ये जो बंदा गुजर रहा है, ये भी आगे जाके पता चलेगा कौन है, मुझे तो पता ही कौन है, आपको भी पता चल जाएगा। ये होती है कटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंजिंग है, जिमी जमाल खान की ड्रेसिंग है, येलो शर्ट और साथ पर्पल टाई नॉट। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है, तो पिंक कलर की शर्ट और जिंक ब्लू कलर की टाई नॉट, मैं टाई नॉट ही बोलूंगा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये रात का टाइम है, लाइटिंग चेक कर रहे हैं, पीछे रिंग लाइट्स भी यूज हुई हैं। आई हैव नो कमेंट्स। क्या कमाल की कलर ग्रेडिंग, कलर स्कीम, लाइट स्कीम, बहुत ही दिलचस्प हो गया है। आल्दो ग्लासेस में सामने उसके पड़ा हुआ वो सॉफ्ट बॉक्स नजर आ रहा है। Now we have three finalists. सॉफ्ट बॉक्स ही है। और ये है सीक्वेंस गेम का, जैसे गेम में करेक्टर सिलेक्शन की उस सीक्वेंस होता है वैसे ही है। मूडी मारिया ट्विटी, और ये सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। अभी तक मैंने इनकी प्रोफाइल चेक नहीं की, लेकिन करूंगा। स्पेशल मूव है जी, अल्फ्रीडो रश, अल्फ्रीडो रश, बॉबी बटेर, स्पेशल मूव मीट स्लैम, सहमे हुए सभी, स्पेशल मूव तंदूरी तड़का। जजेस कॉशियस हैं, नर्वस हैं, क्या होने वाला है, हु इज गोइंग टू विन द बूया पैन पैन। किसी ने नहीं सुना। गोला गंडा, उड़ती हुई खबर आई, आई आई आई। अभी उड़ती हुई खबर मिली है कि मारिया बना रही हैं पास्ता, बॉबी बना रहे हैं स्टेक, और समी बना रहे हैं डिलीशियस बिरयानी। Who's gonna win this competition? Let's see. Let's see. यार बिरयानी का सुन के मैं, मुझे दानियाल शेख याद आ गए, क्योंकि वो कहते होते हैं या तो बिरयानी बहुत अच्छी होती है या बिरयानी बहुत बेकार होती है, बीच में कुछ नहीं होता। जब फूड कंपटीशन की बात आ रही है तो दानियाल भाई का भी होना जरूरी था। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन आई थिंक सो के होना जरूरी था। तीनों कंटेस्टेंट साथ साथ खड़े हैं, मूडी मारी अपने मूड में खड़ी है, सहमे हुए समी सहमे हुए हैं, और बॉबी बटेर यानी के डॉक्टर साहब असद भाई वो रिलैक्स है, हंस रहे हैं, खुश हैं। स्टेज भी बड़ा क्रेजी बनाया गया। यार रात के टाइम कौन सनग्लासेस लगाते हैं डॉन साहब, कशान भाई पकाओ। और ये बाद में वॉइस चेंज की गई है, वरना ये आवाज जो बताई गई है वो इस तरह थी, पकाओ, ये बाद में पकाओ हो गई है। और वो फनी इसलिए बनाया क्योंकि रामेश भाई और दानिश भाई का रिएक्शन ऐसा था जैसे कुछ ओके। मूडी मारिया दो शॉर्ट्स हैं, मतलब दो अलग अलग टाइम पे शॉर्ट्स बनाए गए। ये जो कुकिंग का सामान ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है ये अलग बनाया गया है, और जो दूसरा सीक्वेंस है ये अलग बनाया गया है। जिसको पता है उसको पता है। डॉक्टर साहब बना रहे हैं स्टेक, सीक्वेंस चेक कर रहे हैं। एक मिनट पीछे जाता हूँ, सीक्वेंस दिखाता हूँ। सीक्वेंस देखें, एक साइड पे समी भाई, सेंटर में डॉक्टर साहब, साइड पे मारिया। नेक्स्ट सीक्वेंस आता है दिस, इसके एक्सप्रेशंस चेक करो यार। एक साइड पे डॉक्टर साहब, एक साइड पे समी भाई, सेंटर में रहिए, और पीछे बोके ही बोके। यार इस बंदी के एक्सप्रेशंस क्या क्रेजी हैं। ओके जी, पास्ता बनाया मुडी मारिया ने, स्टेक बनाई है, डिशेस खूबसूरती से पेश करनी है। देखते हैं सहमे हुए समी क्या कर पाते हैं। बिरयानी एक्सप्रेशंस, हाँ इससे ना हो पाएगा। सभी के हाथ चलते जा रहे हैं, आवाज का शोर भरता जा रहा है। ये और ये हैं जी वो सीक्वेंस वाले बंदे, ये म्यूरल फैक्ट्री वाले रामेश भाई के साथ होते हैं। नाम, एक्चुअल नाम पता नहीं इनका क्या है, लेकिन ये मिस्टेक चेक। अच्छा यहाँ पे ये जो यूं करके खड़े हैं, आपको याद होगा कि पीएसएल में एक बंदा था
जो उसका मेम बहुत ही मशहूर अभी तक हो रहा है, उसकी ड्रेसिंग, उसकी जैकेट, सारा कुछ सेम, इवन के गंजे भी हैं। तो ये वो दिखाया गया कि ये क्या कर दिया तूने समी बेटा, लगता है तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। फिर गुस्से में आ रहा है समी, अब तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे होती है मैस्किंग, कटिंग, कलर ग्रेडिंग। हाँ, हम तो करके दिखाएंगे, न कभी हिम्मत हारी है न कभी हिम्मत हारेंगे। कच कच उस सम माउथ वाटरिंग। बिरयानी तैयार, धनिया की गार्निशिंग की जा रही। वाह, द बिरयानी लुक्स अमेजिंग। अभी ये क्या किया? चेंज? तो जीता कौन? यहाँ पे बैठे फिर फ्री फायर खेल रहे हैं। टैप 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 टैप। अब्बा जी ने फिर आवाज दी रात के टाइम। ओके जा रहे हैं। तो समी भाई जीत गए। वेट अ सेकंड, ये जीते हैं या नहीं जीते? VFX दिखाया जा रहा है, कौन जीता है? Free Fire। तो that's it। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। रामेश भाई, दानिश भाई और जितने भी लोग थे इस क्रू में, इस प्रोजेक्ट में, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है और आई विश कि मैं कराची आके शिफ्ट हो सकूँ, क्योंकि मुझे कराची की इंडस्ट्री पसंद है और मैं आप तमाम लोगों से, आप सब लोगों से कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। तो आई विश कि मैं फैसलाबाद से निकल आऊँ। अब आप लोग जाके ये वीडियो देखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ना तो ये वीडियो पहली है, ना ये वीडियो आखिरी है। आते रहेंगे और छाते रहेंगे। बाय।